मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर लेगा सामूहिक अवकाश। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। राजस्व अधिकारी संघ ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा है तथा मांगों के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश न मिलने पर राजस्व अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हमारा जो राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ है, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वेतन की संगति को लेकर और कार्य की अधिकता को लेकर के बहुत पीड़ित है और हम अपनी मांगों को लेकर के आज माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी कर्मचारियों को अपेक्षानुरूप वेतन मान बढ़ाया है। हमारी मांग है कि हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाए, जबकि कार्य के मामले में हमारे विभाग को लगभग 10 गुना कार्य अधिक बढ़ा दिया गया है और हम लोग उसका पूर्णतः जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। अगली बात जो ये है कि हम लोग जो है जजेस के रूप में काम करते हैं और जो CM हेल्पलाइन है और जो लोक सेवा गारंटी है और जो अन्य शिकायतें हर मामले में हम लोगों को जाँच के लिए भेजा जाता है, कार्रवाई के लिए भेजा जाता है, जिम्मेदारी फिक्स की जाती है और हम लोग जो काम करते हैं उसमें जजेस प्रोटेक्शन नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ जजेस हम लोग काम करते हैं, हाई कोर्ट ने भी जजेस की मान्यता दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं किया जो जजेस प्रोटेक्शन के जनी मंबर नहीं आते। ये कारण ये है, इसी का परिणाम स्वरूप क्या होता है, गाहे बगाहे हमारे राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध FIR की कार्रवाई होती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और इस ज्ञापन में यह है कि हमारी मांग अगर नहीं सुनी गई तो 12 तारीख से लेकर के 12, 13, 14, 15 हम लोग सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश में रहेंगे। इसके बाद 26 तारीख से लेकर के 9 जुलाई तक हम लोग सामूहिक अर्जित अवकाश में रहेंगे और इसके बाद भी अगर नहीं सुनी गई तो हम लोग आगे अवकाश बढ़ाने के लिए बात करेंगे।